ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। राजनीतिक पत्रकारों में किस तरह की चर्चा थी जब पूर्व राजनीतिक पत्रकार सागरिका घोष टीएमसी के रास्ते राज्यसभा आ रही हैं और आपके मित्र राजदीप से हमने पूछा भी एक हिमांशु जी एक मिनट मुझे लगता है हिमांशु जी मैंने राजदीप से ये पूछा कि किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं तो राजदीप ने व्हाट्सएप पर एक जवाब दिया। निजी बातचीत है पर मुझे लगता है कि ये जब वो आएंगे तब उनसे पूछा भी जाएगा पर ये बताया जा सकता है। I keep telling anyone who wishes to listen, all queries on Rajya Sabha to be directed to her. She is a fiercely independent woman with a mind of her own. I'm sure she has answers to choices she makes, as I have to those I do. तो जब भी हम कभी नेता सागरिका घोष का इंटरव्यू करेंगे तो ये सवाल जरूर आएगा। That was Rajdeep Sardesai. चूंकि नेता नगरी में वो लगातार आते हैं, दर्शकों ने बहुत कमेंट्स किए थे पिछले एपिसोड के नीचे, तो मुझे लगा एक वर्जन तो रख दिया जाए। जी हिमांशु सौरभ जी, मुझे याद है कि मैं आपके ही शो में था जब राजदीप जी राज्यसभा को लेकर हम डिस्कशन कर रहे थे और उसमें मैंने एक बात तब कही थी कि राजदीप को 2012 के अंदर जो है वो टीएमसी की तरफ से जो है राज्यसभा ऑफर की गई थी, तब राजदीप ने उस ऑफर को ठुकरा दिया था और ये मेरे पास पुख्ता सबूत है और आपको भी मालूम है कि राजदीप ने उस वक्त ये स्वीकार भी किया था। अब सवाल ये है कि मैं एक कहना चाहता हूं कि देखिए राजदीप बहुत बड़े पत्रकार हैं। राजदीप टीवी इंडस्ट्री में या प्रिंट में जब आए और उसके बाद इतना लंबा अनुभव उनके पास है कि मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी से अगर उनको ऑफर होता है तो ये बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि राजदीप आने वाले दिनों में हो सकता है राजदीप भी अगर उनकी जिन चीजों को लेकर वो चलते हैं नॉमिनेटेड राज्यसभा में भी राजदीप का नंबर आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं मानी। आर यू टेलिंग अस कि नरेंद्र मोदी सरकार जो खेल कला विज्ञान जैसे बहुत सारे कोटे होते हैं उसमें पत्रकारिता के कोटे से राजदीप सरदेसाई को राज्यसभा भेजेगी? जी ये हो सकता है, आप इस पे बिल्कुल दो राय निभाए। और पिछली बार राजदीप ने कहा था कि बीजेपी के एक नेता ने उन्हें कहा है कि अब आप जो है भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। चलिए इस पर जब राजदीप आएंगे तब उनसे बात करेंगे, पर इस देश में पत्रकारों के राजनीति में आने का और पत्रकार राज्यसभा में गए हैं। जी मैं वही कह रहा हूँ, बीजेपी जानता हूँ जी, बीजेपी जानते हैं। बीजेपी की ही बात करें तो पायनियर के संपादक रहे चंदन मित्रा, स्वप्न दास गुप्ता, ये नाम है जो मुझे इमीडिएटली याद आ रहे हैं। उससे पहले एमजे अकबर जो कांग्रेस के क्लोज भी रहे, बीजेपी की सरकार में भी मंत्री रहे और जब मी टू में एलिगेशंस लगे तो उसके बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा। लोकसभा की रास्ते भी कई आए हैं, जैसे संतोष भारती हैं, फरुखाबाद से चुनाव जीत कर आए थे 89 की लहर में। एमजे अकबर भी रहे किशनगंज जी, लोकसभा में भी रहे, पर मैं जनता को बिल्कुल हाल का रेफरेंस दे रहा था। और भारतीय जनता पार्टी के नाम भी जोड़ देता जी, दैनिक जागरण के नरेंद्र मोहन जो संपादक मालिक थे, नरेंद्र मोहन, योगेंद्र मोहन उनके भाई हैं, वो समाजवादी पार्टी से रहे। बलबीर पुंछ भारतीय जनता पार्टी से रहे। सूर्य राजनाथ सिंह सूर्य भारतीय जनता पार्टी से रहे। दीनानाथ मिश्र भारतीय जनता पार्टी से रहे। राजीव शुक्ला जो है वो नरेश अग्रवाल की पार्टी से पहले चुनकर आए, सपोर्ट से आए और उसके बाद कांग्रेस से रहे। प्रफुल्ल केतकर कांग्रेस से हैं। एक मनोनीत सांसद थे, बड़े नाम रहे, चो रामास्वामी तुगलक मैगजीन के एडिटर हैं वो रहे, अरुण शौरी रहे। तमाम पत्रकारों की लंबी फहरिस्त है जो राज्यसभा में गए हैं। और इसको और पीछे ले जाएं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और यूपी के गवर्नर रहे मोतीलाल वोरा, उनकी भी नवभारत में बतौर रिपोर्टर इनिंग शुरू हुई थी। और पीछे जाएं हिंदी के बड़े कवि, ऐसे तो अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, वो भी पत्रकार रहे। तो मैं एक जनरली अगर आपको कहूं कि ऐसी फेरिस्त लंबी है और भविष्य में भी बहुत से लोगों को मुझे लगता है कि उनको भी राज्यसभा मिलेगी। कितने संपादकों और पत्रकारों ने इस उम्मीद में अपने अपने आप को खर्च कर रखा है, क्यों उनको पत्रकारिता करने दीजिए जरा टिक के दम के। टीएमसी ने चार लोगों को टिकट दिया है, सुष्मिता देव, नदीमुल हक, ममता बाला ठाकुर और सागरिका घोष। क्या फैक्टर्स रहे इनके सिलेक्शन के पीछे,
सागर का घोष हैज अ प्रोफाइल दैट इज जो तृणमूल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. समबडी जो दिल्ली में इज अ नोन फिगर, दिल्ली में सभी उनको जानते हैं. शी इज वेरी आर्टिक्युलेट, शी इज ऑल्सो इन अ वे वेरी क्लियरली ब्रांडेड एज यू नो एंटी बीजेपी, एंटी मोदी. उनका जो लॉयल्टी है वो साफ साफ पॉलिटिकली काफी साफ है. तो गिवन दैट शी इज अ गुड चॉइस और देयर इज आल्सो अ पर्सनल इक्वेशन जितना दूर मुझे पता है, ममता बनर्जी एंड सागरिका गो बैक अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से उनकी जान पहचान है और अच्छे रिलेशंस है. All right, जयंत दा, Derek told me that it's a googly from our side. मजाक से बोला, लेकिन why googly? Because Shagori was not at all a expected political character, or it you can say it's a lateral entry, जैसे फिल्म से होता है, जैसे ममता के पार्टी में बहुत होता है. लेकिन सागरिका का नाम, It has come from, I mean, Mamta accepted, but it has come from Abhishek's side also, because from media, national attention, because national media mein ek perception ho raha hai ki it has become very against TMC, against Mamta, against West Bengal, khaskar Sandesh Khali leke bhi to bahut anti. To Sagarika now she can speak, she can write. And her political orientation well known, and actually nominating Sagarika, they actually internal politics जो आप पूछ रहे हैं उसमें काफी और दूसरा नाम भी था, और वो नाम में consensus नहीं था, और वो नाम जो ममता बोल रहे थे शायद वो अभिषेक का भी उसमें दादा कौन सा नाम old था school, please tell new school us सब है कौन सा नाम था please tell us old school मतलब जो लोग बहुत दिन से तृणमूल में हैं लेकिन जैसे जैसे सौगत राय अभी अगर लोकसभा में अभिषेक चाहते हैं कि न्यू पीढ़ी आ जाए नई पीढ़ी आ जाए और ऐसे सौगत राय को राज्यसभा दे सकते थे लेकिन ममता ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड बोले हैं कि ये लोगों को अभी इतना जल्दी अभी भी ही इज एक्टिव एंड लोकसभा में लड़ाई लड़ेंगे तो अभी ऐसे किसी को आना चाहिए जिसमें पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी नहीं होगा. आप देखिए सागरिका का चूज करने के पहले भी दो नाम लेके चर्चा हुआ था बट दे डिक्लाइन कौन कौन से एक्चुअली हाँ मैं बता रहा हूं श्रेया घोषाल. एक्चुअली श्रेया घोषाल बंगाली है रूट कलकत्ता है बंगाल है और बहुत फ्रिक्वेंट कलकत्ता में आते हैं प्रोग्राम करते हैं बंगला गाना गाते हैं बंगाली में भी बहुत पॉपुलर है क्योंकि बंगाली मूवीज का भी गाना गाते हैं और श्रेया घोषाल को कॉन्टेक्ट किया गया था तो श्रेया घोषाल इमीडिएटली बोले हैं कि आई सम्मान करते हैं ममता दीदी को और सब ठीक है लेकिन ये दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी. क्योंकि देखिए देव मीमी बाकी लोग ना इसमें क्या होता है जो फिल्म से आते हैं डिफरेंट वर्ल्ड से आते हैं उसमें कभी कभी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में एंटीजन एंटीबॉडी का प्रॉब्लम हो जाता है और कुछ लोग बहुत पहले स्केप्टिक होते हैं आते आना ही नहीं चाहते. श्रेया घोषाल इज ए वेरी गुड कैरियर अभी वो कितना समय दे पाएंगे तो श्रेया घोषाल वॉज नॉट रेडी. इवन सुष्मिता सेन का नाम आया लेकिन सुष्मिता सेन वॉज नॉट वेल and that time she was unreachable. Sushmita Sen's father, he's based in Calcutta, Subir Sen. Lekin wo bhi nahi ho paya aur usme bhi bahut sara objection tha. Even Abhishek was not very keen to nominate Sushmita Sen. To usme laga ki media se agar aate hain aur Sagarika's family background, Bhaskar Ghosh, Arundhuti, matlab Ruma Pal, Chief Justice the, matlab ye jo hai, ye jo family hai, ये जस्टिस है ब्यूरोक्रेट है फादर और देखिए इसमें ही हैज शी हैज बिकम द राज्यसभा मेंबर ऑन हर ओन आइडेंटिटी नॉट एज स्पाउस और राजदीप्स वाइफ दैट इज नॉट द आइडेंटिटी. ममता बनर्जी के साथ सागरिका का दो बार प्रॉब्लम हो गया था दो इंटरव्यू में एंड ममता वॉकड आउट. इन स्पाइट ऑफ दैट नाउ शी इज गिविंग द मैसेज It's a message of tolerance also. It's an inclusivist approach also. Media ko bhi message dena chahte hai ki hum, I want some media persons also in our team in future also. So now actually our jo perception, negative perception ho raha hai, khaskar English media, Hindi media, usme bhi ek correction hoga. Aise umeed hai. Whether this experiment will be succeed or not, I don't know.
बट इट्स अ ट्रायल एंड एरर मेथड। जयंतोदा, परसेप्शन को दुरुस्त करने के लिए राज्य को दुरुस्त ढंग से चलाना होगा, अपने आप परसेप्शन ठीक हो जाएगा। मीडिया मैनेजमेंट तो जो सब पार्टियों का चलता है चलता ही रहेगा।